हेलो माय एग्रीकल्चर फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है द लर्न एग्रीकल्चर। हाय गाइस, आज के हमारे 21वीं ICAR MCAR एंड ऑल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज फर्स्ट क्विज एट सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डेफिनेशन ऑफ सीड इन स्ट्रिक्ट सेंस। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था सी, अ प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओविल दैट कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो सीड कोट एंड कोटिलेडॉन। इट मींस सीड इन स्ट्रिक्ट सेंस। सेकंड क्वेश्चन था हमारा एसेंशियल फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सो गाइस, एयर इज एन एसेंशियल फैक्टर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। थर्ड क्वेश्चन था हमारा वेट ऑफ 100 सीड इज सीड इंडेक्स। इसका करेक्ट आंसर था बी नंबर। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा डोकेजेस। सो गाइस, इसका करेक्ट आंसर था इम्प्यूरिटी। अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें था जर्मिनेशन परसेंटेज। सो गाइस, इसकी डेफिनेशन है एन एस्टिमेट ऑफ द वायबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सीड्स। फॉर दैट द जर्मिनेशन परसेंटेज फार्मूला, सीड जर्मिनेटेड अपॉन टोटल सीड इंटू 100। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस 300 to 500 मीटर यूज फॉर द नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन अप टू डैश परसेंटेज। सो गाइज, उसका करेक्ट आंसर था 26 to 50%। फॉर दैट हमारा सिक्स नंबर क्वेश्चन था मिनिमम आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड ऑफ कॉटन हाइब्रिड। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था 50 मीटर। और जो बाकी के ऑप्शन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि 30 मीटर है ये सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन कॉटन के लिए यूज़ किया जाता है। 100 मीटर यूज किया जाता है फॉर द सर्टिफाइड ऑफ सॉर्गम सीड्स। फॉर दैट 200 मीटर फाउंडेशन सीड फॉर सॉर्गम। सेवन नंबर क्वेश्चन था हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ EFSCI। सो गाइज, बाय मिस्टेक ये इसका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गया था यहाँ पे। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था बी, स्टेट फार्म कॉरपोरेशन इंडिया। आफ्टर दैट एट नंबर क्वेश्चन था हमारा स्केयर लाइक पॉइंट विथ विच सीड इज अटैच टू फुनुकुलुस। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था डी नंबर, हलम। उसके बाद अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें जो हाइपोकोटिल है। सो गाइज, इट इज़ एन प्रिंट पॉइंट एट विच कोटिलेडॉन्स आर अटैच। सेकेंड नंबर है कैरेंकल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इज एन एसोसिएशन ऑफ माइक्रोफाइल प्रेजेंट इन कैस्टर। आफ्टर दैट माइक्रोफिल इज एन स्मॉल होल लाइक पोर्शन ऑन सीड कोट। नाइन नंबर क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन इज। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था इनिबिशन। इसमें सेकंड स्टेज आती है सीड जर्मिनेशन में, इट इज एन मेटाबॉलिक। थर्ड स्टेज है इसमें सीड जर्मिनेशन में प्रोस्टूशन, और लास्ट वन इज हाइड्रोलिक, इट इज एन प्रोस्टूशन फेज। आफ्टर दैट 10 नंबर क्वेश्चन था हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सीड कॉरपोरेशन एट डैश प्लेस इन डैश ईयर। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था न्यू दिल्ली इन 1963। मीन्स 11 नंबर क्वेश्चन था हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन सॉर्गम। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था डी नंबर। यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा हो गया है टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। अदर ऑप्शन के बारे में आपको पता है 200 और 300 मीटर किस क्रॉप में यूज किए। 12 नंबर क्वेश्चन था हमारा वर्किंग सैंपल्स आर। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था बी, रिड्यूस सैंपल्ड सैंपल मीन्स वर्किंग सैंपल। इसके बारे में अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसमें था रिड्यूस कंपोजिट सैंपल। सो गाइज, इज एन सबमिटेड सैंपल। उसके बाद मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सैंपल इज एन अ कंपोजिट सैंपल, और जो कंपोजिट सैंपल होता है यहाँ पे ऊपर दिया गया है मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सैंपल्स। आफ्टर दैट 30 नंबर क्वेश्चन था हमारा ऑब्जेक्शनेबल वीड ऑफ वीट इज। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था हिरन खुरी इज एन ऑब्जेक्शनल वीड ऑफ वीट। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन था हमारा डेड सीड्स आर, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, डेड सीड्स आर इनवायबल, वो वायबल नहीं होते। फॉर दैट 50 नंबर क्वेश्चन था हमारा केमिकल यूज फॉर सीड वायबिलिटी टेस्ट। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर था सी नंबर, टेट्राजोलियम क्लोराइड हम यूज करते हैं केमिकल फॉर सीड वायबिलिटी टेस्ट। और अदर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें फर्स्ट था मैलिक हाइड्राजाइड हाइड्रोजिन। सो गाइज, इट इज़ यूज फॉर इंडक्शन ऑफ मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद बी नंबर था हमारा इथिडियम ब्रोमाइड, इट इज़ यूज फॉर मेल स्टेरिलिटी। सो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।